तो गार्डियंस ने जानबूझकर एक भंड मार दिया और अपने फ्लोर टीव्स और लायला के कातिल को खुद बचाया, यानी हाई इवोल्यूशनरी। हाँ, तो अभी 200% कंफर्म हो गया कि हाई इवोल्यूशनरी एमसीयू के अंदर अभी भी जिंदा है और वो आगे काफी टाइम तक चलेगा। ये कोई लीक या रूमर नहीं है, ये कंफर्म्ड है। और इस वीडियो के एंड होने तक तुम भी पूरी तरीके से श्योर हो जाओगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हेलो गाइस, वेलकम टू एमबी एक्सप्लेन। तो गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 मूवी की एंडिंग के वक्त जब अपने सारे गार्डियंस जानवरों को लेकर नोवियर वाले शिप पर आ रहे होते हैं, तो यहाँ पर इस सीन पे सबने मिस कर दिया कि अपना ड्रैक्स अपनी पीठ पर हाई इवोल्यूशनरी को उठाया हुआ है। और यार ये क्लियरली दिख रहा है। और अगर तुम्हें यहाँ से कंफर्मेशन नहीं मिलती तो गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के वीएफएक्स आर्टिस्ट ने भी ये चीज कंफर्म कर दी कि ये बंदा जिसको ड्रैक्स ने अपनी पीठ पर उठाया हुआ है, ये और कोई नहीं बल्कि हाई इवोल्यूशनरी ही है। और जेम्स गन ने भी अपने ट्विटर पे इसको खुद कंफर्म किया है। ये बात काफी मेक सेंस भी करती है क्योंकि हाई इवोल्यूशनरी का करेक्टर शुरू होते ही खत्म नहीं हो सकता एमसीयू में। ये एमसीयू का वन ऑफ द मोस्ट क्रूएलेस्ट विलन है और जाने अनजाने में गार्डियंस ने इसको जिंदा छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। और अवेंजर्स कैंग और मल्टीवर्स सागा का गेम तो ऑन है, पता नहीं हरामी आदमी आगे क्या क्या करेगा। खैर कुछ भी करे, आपको और हमको तो एंटरटेन करेगा, बट भाई मैं पर्सनली इसको मरा हुआ ही देखना चाहता था। खैर आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। टिल देन टेक केयर।